हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस लुक में क्यों हूँ, क्यों मैंने साड़ी पहनी है, कहाँ के लिए मैं रेडी हो रखी हूँ, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। वो ये है कि क्या होता है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही। हम चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ और ही होता है। सो उस टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती आई हैं, उस टाइम पे हमें समझ में भी कुछ नहीं आता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज कि ऐसे टाइम पे ना आप कुछ मत करिए, सरेंडर करना सीखिए बस। लेट्स सरेंडर आर ऑल द प्रॉब्लम्स, जिसको सरेंडर हमें करना चाहिए, फाइन। क्योंकि क्या होता है, अभी तो हमें समझ में नहीं आता चीज़ें ऐसा क्यों हो रही हैं, जो हम चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ। बट बाद में कुछ टाइम बाद जब हम सोचते हैं ना, तो लगता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ हमारे साथ ये चीज़ उस टाइम पर नहीं हुई। सो भगवान की जो प्लानिंग होती है ना, दैट इज़ बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या चाह रहे हैं। चीज़ ये है कि अपने जो पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से हम लोग अपना एक, हमने लैंड ली है देहरादून में और उसकी हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं, वहाँ हम लोग घर बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत ही मिक्स फीलिंग है, मिक्स इमोशंस हैं हमने। और ऐसी जो चीज़ें होती है ना फ्रेंड्स, वो आई थिंक ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाती है। हम प्लानिंग नहीं करते और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं। सो ऐसा ही कुछ हुआ है, प्लान हमने काफ़ी पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे थे, जो कुछ हुआ है ऑन द स्पॉट बहुत स्पॉन्टेनियसली हुआ है। और बहुत ही मिक्स फीलिंग है, मिक्स इमोशंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हम एक ऐसी जगह में रहने जा रहे हैं जो परमानेंट हमारी होगी। और देखिए, अपना तो वैसे भी कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमें एक कॉल आ जाए और हमें जाना पड़े। बट कहते हैं ना, एक अपना स्पेस, जैसे हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वैसे अपना एक घर होना और उसको अपने हिसाब से आप डेकोरेट करना, अपना ड्रीम हाउस टाइप का। सो वो हम बनाने जा रहे हैं। आप सब जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए सो दैट हम लाइफ में प्रॉस्पर करते रहें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। अभी भूमि पूजन हो रहा है, पंडित जी ने 11:30 बजे का समय हमको दिया है। सो हम लोग क्विकली जाते हैं, वो एरिया आपको दिखाते हैं। अभी जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, उन लोगों ने ठेकेदार जी को वहाँ मॉर्निंग में भेज दिया था, वो लोग वहाँ पर अभी खुदाई कर रहे हैं, जिससे जहाँ बैठ के हम लोग भूमि पूजन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, ले चलते हैं आपको अपनी लैंड में। फ्रेंड्स, मैं बैठ चुकी हूँ कार में और हम निकल रहे हैं अपने प्लॉट के लिए। पापा का आशीर्वाद हमने ले लिया है। पीछे हरा वाला का पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप से लेफ्ट हैंड साइड में लक्ष्मण सिद्ध कॉलोनी है और लक्ष्मण सिद्ध कॉलोनी में 40 फीट रोड है, उसमें हम लोग एंटर करेंगे। दोस्तों, ये है लक्ष्मण सिद्ध कॉलोनी, वो पीछे हाईवे और यहाँ है हमारा प्लॉट। हमारी चाची जी आ चुकी हैं, मम्मी हैं, चाचा जी, हाँ, ये हमारे आर्किटेक्ट भैया हैं। हाय भैया, हाँ जी, हाँ जी। ये पहला मकान बना है अभी किसी का, सेकेंड नंबर का हमारा है। दोस्तों, पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, मम्मी, चाची, चाचा जी लोग बैठ रहे हैं और यहाँ पर ठेकेदार जी ने गड्ढा खुदवा दिया है और इसके अंदर पूजा होने के बाद हम कलश को रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। कछुआ, हाँ, वास्तु यंत्र कोई 200। अच्छा, ठीक है, तांबे का लोटा, हाँ, ये सामान इसके अंदर जाएगा, नाग नागिन इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लोटे के अंदर भागवत जाएंगे। अच्छा, भागवत, अच्छा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्भजाये नमः, मंगलम पुनरीकाक्षय, मंगलाय स्तनोहरि। प्रार्थना, फिर भगवती से प्रार्थना करते हैं। हे भगवती, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य में शक्ति ताकत की कामना बनाए रखना। बोलो भगवती कुलदेवी माता की, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि नमो नमः। शांति कल्याण, ओम शांति आयु, शांति परिवार रक्षा, शांति कल्याणेभ्याय नमः। दोस्तों, अब जो कलश है उसके अंदर सबसे पहले हम गंगा जल डाल रहे हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पास अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ की मिट्टी और कैंची धाम की भभूति भी थी, वो पंडित जी ने हमसे कलश में डलवाई। नवग्रहे पूजनम ततो च सर्वेभ्यं त्वरि नाम तथा च आयुषि नाम नस्याये नमः तथा च सर्वे स्वस्तिभ्यं नव निर्माण कार्य तथा च भूमि पूजन एवं वास्तु पूजन एवं सर्वे शांति कल्याणम तथा च वास्तु जन्म कुंडली। हमारे नव निर्माण कार्य के ग्रहों को सुख शांति से बनाए रखना नमः। दीर्घायु कामनाये नमः। सौभाग्य उन्नति तथा च कामनाये। दोस्तों, अब जो कछुआ है, नाग नागिन का जोड़ा है, ये सब जो पंडित जी हमें दिखा रहे हैं, भागवत, ये सब जाएगा हमारे कलश के अंदर। सामग्री सब से मिलती का सब इसके अंदर सब पे मिलती का, सात जगहों की मिट्टी होती है, हाथी घोड़ा सरोवर तीर्थ मंदिर गौशाला ओम हरि ओम नाग नागिनम तथा च नाग नागिनम सर्वे स्वस्तिभ्याय नमः। मुख में लगा हुआ है, मुख में, दोनों के मुख में। ओम भद्रम कर्णे वी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षय गिरियाजत्राये नमः। जंगा सस्तनो भीरवया सेमहि कछुवाये नमः। पूजायामि के समर्पयामि नमः। प्रथम शीला पूजायामि के गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नमः। नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनम सन्निधि। प्रथम शीला पूजायामि के नमः शिलान्यास। दोस्तों, ये हमारे आर्किटेक्ट भैया हैं देवा भद्रम, और ये हमारे ठेकेदार जी हैं जो घर बना रहे हैं। अब जितनी भी पूजा की सामग्री है, जो हमारी पूजा हुई है, ठेकेदार जी ने जो यहाँ पर गड्ढा खुदवाया है, दूध से हम उसको पवित्र करके और अपना कलश वहाँ पर रखेंगे। बीच में कलश की जगह बना के चलना। अच्छा, आ जा बेटा, इधर आ। देखो सिरपल का मुंह देखो, ये रहेगा, समझे? जो नोक है ना ऊपर रहेगी। केवल दिवाली पकड़ ओम चंद्रमा मन उसमें रख देना सीधा है। चंद्रमा मन सो जातक्षसो सूर्यो अजायताये नमः। सूतार्द्वायु च प्राण च मुखादग्नि रजायता गजाननम भूतगणादिशिवम। इष्ट देवता कुल देवता मम कार्य बोल। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता सुख शांति कल्याणाय। आ जाओ ओम भद्रम कर्णे भीष्णुयामं देवा भद्रम पश्येमाक्षयम् गिरियाजत्राये नमो स्त्रे रंगे तुष्टो वंगा अवलक अब ऐसे कोई टुकड़ा देखो भाई जी जिससे ढक्कन बंद हो जाए। कन्नी से डालो मसाला, कन्नी से लोडना पड़े उस पर देते टाइम। देवी कतार्यो गन्तु अदितिर्देव रक्षायै नमः। ते सर्वः स्वस्तिना भूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्ताक्षयो। अब इसके ऊपर जाला है, जाला इसके ऊपर है। आजकल छुट्टी है इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है? छुट्टियां कभी कभी। फ्रेंड्स, भूमि पूजन हमारा हो चुका है और मेरी वीडियोग्राफर भी थी यहाँ पर स्पेशली, जिन्होंने व्लॉग शूट करा जब मैं पूजा कर रही थी। और आपने देखा होगा कितने अच्छे से पंडित जी ने भूमि पूजन करा है, और जो हमारा घर बन रहा है, जो प्लॉट है, उसका हमने नामकरण भी हो चुका है। आज धनु राशि है उनकी, जो हमारा मकान है उसकी राशि निकाली पंडित जी ने धनु राशि, और बहुत ही बढ़िया है बोला है। सो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया भूमि पूजन का, ऐसी मुझे ब्लेस करिए और प्रे करिए हमारा घर बहुत अच्छे से बने, ये सपनों का घर। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।